वैक्सीन के अपडेट पहले तो अच्छे वाले अपडेट हैं, मैं कहूँगा लार्जली कि जो भारत के दो वैक्सीन्स हैं इंडिजिनस ICMR वैक्सीन और कैडिला साइटस वैक्सीन, दोनों की क्लिनिकल ट्रायल की फेज़ टू ट्रायल की जो फेज़ है उसका एनरोलमेंट और उसका कामकाज मोरलेस हो गया है और वो फाइनल स्टेज में ऑब्जर्वेशन है जो वॉलंटियर्स हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका रिज़ल्ट जो है पहले अर्ली फेज अर्ली पार्ट ऑफ नवंबर में हमारे पास फेज़ टू के रिजल्ट्स आ जाएंगे और उसके बेस के ऊपर फिर आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। जो तीसरा वैक्सीन भारत की भूमि में टेस्ट हो रहा है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो कि हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट, बहुत कैपेसिटी है, उनका नाम है वैक्सीन बनाने में, उनकी तरफ से बनाया भी जा रहा है और उसका फेज़ थ्री ट्रायल इंडिया में भी हो रहा है और वो ट्रायल 15-16 जगह पे हो रहा है। और ये ट्रायल एक इंटरनेशनल ट्रायल का हिस्सा है जिसमें कि और साइट्स भी हैं, अमेरिका भी है, यूके भी है और भी कोई कई कंट्रीज़ हैं, और उस ट्रायल की भी प्रोग्रेस यहाँ तक अच्छी है, अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, ऑन ट्रैक है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो नवंबर एंड दिसंबर के किसी फेज़ के लगभग आने की उम्मीद है। और इस ट्रायल के बारे में जैसे पब्लिक डोमेन में था, कुछ वजह से एक पेशेंट में अनड्यू इफेक्ट हुए थे यूके में, कुछ दिन के लिए रुका था, इंडिया में भी इट वाज पुट ऑन होल्ड फॉर अ वाइल, बट नाउ इट इज़ बैक टू इट्स ऑन ट्रैक डेवलपमेंट। तो ये अच्छे डेवलपमेंट्स हैं और वैक्सीन की जो प्रिपेयरनेस है वो जैसे हम बार बार आपको पहले भी बता चुके हैं, उसकी प्रिपेयरनेस के लिए हर मुद्दे की तरफ से तैयारी जो है वो भी इन पैरेलल चली हुई है कि जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगा कोई देर नहीं होगी उसको हम सब तक पहुंचाने के लिए।